नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी की जो निकल कर आ रही है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इसमें कुल 25 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, जिसमें पोस्ट तीन प्रकार की पोस्ट है। पहली पोस्ट है विलेज पंचायत सेक्रेटरी, दूसरी गार्डर और तीसरी है फॉरेस्ट गार्ड की। तो इसके अंदर मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ क्या क्या होनी चाहिए। जो विलेज पंचायत सहायक है उसके लिए आपको 10वीं पास होनी चाहिए और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। गार्डर के लिए आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए। आपकी जॉब लोकेशन रहेगी दमन और दीव, और जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो भी दमन और दीव के अंदर ही होंगे। आपकी आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 से 30 वर्ष के बीच आयु आपकी आयु होनी चाहिए, और एप्लीकेशन आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें फॉर्म आप 28 मई 2018 से 27 जून 2018 तक भर सकते हैं, और जनरल और ओबीसी के लिए इसमें एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है, और SC ST PWD फीमेल के लिए भी इसमें 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और इसके अंदर जो दमन और दीव के अभ्यर्थी हैं उनको प्रमुखता दी जाएगी, लेकिन ऑल इंडिया का कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस से एक रिटन टेस्ट होगा, जिसके माध्यम से आपकी सिलेक्शन होगा, और पे स्किल रहेगी आपकी जो सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपए के बीच में आपकी पे स्किल रहेगी। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें समस्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, क्योंकि इस चैनल पर आपको समस्त आने वाली जो इंडिया में वैकेंसी आती है उनकी जानकारियां मिलती रहती है।